नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में 18,327 नए मामले दर्ज किए गए और 108 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवाई। बता दें कि देश के 6 राज्यों में कोरोना के मामले लगातार ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में दैनिक कोरोना वायरस मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान लगातार जारी है। 49 दिनों में कोविड-19 के खिलाफ 1,90,00,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है, जिसके पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया गया था। अब दूसरे चरण में आम लोगों को टीका लगाया जा रहा है और दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोग और 45 से ऊपर के उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जिन्हें गंभीर बीमारी है। अब तक 1,94,97,704 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। अब हम बात करते हैं जनपद सहारनपुर की। तो आपको बता दें, जिले में कोरोना का प्रकोप नहीं रुक रहा है। एकाएक कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। आज शनिवार को जहां कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला, जबकि 2 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोढ़ी ने बताया कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या लगातार घटती जा रही है। शनिवार को आज 2 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 13 रह गई है। अब तक जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,973 है। सिटी वैब सभी जनपद वासियों से अपील करता है, कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क को पहनना, अपने हाथों को लगातार साबुन से धोना। कोरोना अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का अपडेट आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।